Hi friends, I'm Gaurav, digital marketing consultant and trainer since 2013, and I'm having 7 plus years of experience in digital marketing. Sometimes क्या होता है कि वेबसाइट में क्रिटिकल एरर दिखाता है. मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने एक डोमेन है हमारे क्लाइंट का. अब इसको देखिए, हम लोग जब टाइप करते हैं तो ये आपके सामने एरर आता है, देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, लर्न मोर अबाउट डिबगिंग. तो जब इस तरह का एरर आता है तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है. हालांकि कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इस तरह का वीडियो बनाऊं, लेकिन जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया. आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने होस्टिंग को लॉगिन करना है. जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने होस्टिंग को लॉगिन किया, जहाँ पे हमारी इस वेबसाइट का होस्टिंग किया हुआ है. जहाँ पे भी हमारी इस वेबसाइट को होस्टिंग किया गया है उसको हम लॉगिन कर लेंगे. पहले लॉगिन करने के बाद वेब होस्टिंग में जाएंगे, और वेब होस्टिंग में जाने के बाद हम लोग फिर सी पैनल पे क्लिक करेंगे. इट मीन्स कि हमें सी पैनल को एक्सेस करना है. सी पैनल पे क्लिक करके सी पैनल को एक्सेस कर लेंगे. उसके बाद पर्टिकुलर उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे इस वेबसाइट को लॉगिन किया गया है, फाइल मैनेजर के थ्रू. उसके बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, पब्लिक एचटीएमएल में जाएंगे और उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे जहाँ पे वेबसाइट को सेव करके रखा गया है, स्टोर करके रखा गया है. अब हमें क्या देखना है कि ये वेबसाइट अपडेट हुआ है क्या. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यस्टरडे 7:34 PM में वेबसाइट को अपडेट किया गया है. इट मीन्स कि या तो वर्डप्रेस डिफॉल्ट अपडेट हुआ है, या तो कोई मॉलवेयर है जो कि ऑटोमेटिक इसमें कुछ चेंजेस कर रहा है. तो अब हमें क्या करना होता है, एरर लॉग में हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है. तो कोई फाइल है PHP जो कि अपडेट हुआ है और उसी में एरर आ रहा है. तो अब हम क्या करेंगे कि एक नया वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो भी एरर्स है वो ये वर्डप्रेस से ही है, थीम वगैरह से कोई एरर नहीं है इस वेबसाइट में. तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे. नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जब हम लोगों ने देखा कि थीम में कोई एरर नहीं है, तो प्लगइन को हम लोग रीनेम करके देखेंगे कि अगर कोई प्लगइन से दिक्कत होगा तो पता चल जाएगा कि एक प्लगइन से दिक्कत है या नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्लगइन से भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्रिटिकल एरर अभी भी आ रहा है. तो इट मीन्स कि थीम से भी दिक्कत नहीं है, प्लगइन से भी दिक्कत नहीं है. तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि अब हम लोग वर्डप्रेस को ही चेंज करके देखें. इट मीन्स कि जो अपलोड हुआ है वर्डप्रेस पहले से, उसको हम लोग अब रिप्लेस कर देंगे नए वर्डप्रेस के साथ. तो रिप्लेस करने के लिए हम लोग जो डाउनलोड करके रखे हैं अपने सिस्टम में वर्डप्रेस को, उस फाइल को चूज करेंगे यहाँ से, जिप फाइल को, और उसको अपलोड कर देंगे. इट विल टेक फ्यू मिनट्स. उसके बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगा, हम लोग उस वर्डप्रेस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये वर्डप्रेस फाइल यहाँ पे मिल गया है. अब इसको राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए. एक्सट्रैक्ट करने के बाद वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर बनेगा जिसमें इसके सारे फाइल्स सेव हो जाएंगे. इस तरह से आपका फाइल वर्डप्रेस नाम के फोल्डर में सेव हो जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसको मूव करा लेंगे हम लोग अपने मेन डोमेन वाले फोल्डर में. ये पाथ हम लोग डाल के इसको मूव करा लेंगे. मूव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सारे फाइल्स यहाँ पे रिप्लेस होते हैं. तो वर्डप्रेस के जो भी पुराने फाइल्स थे जिसमें एरर्स आ रहे थे, वो सारे फाइल अब रिप्लेस हो जाएंगे. अब हमारे पास वर्डप्रेस फोल्डर का कोई काम नहीं है, तो फिर से हम लोग चेक करेंगे. अब हम लोग फिर से जाकर चेक करेंगे कि हमारा डोमेन अब वर्क कर रहा है या नहीं, हमारी वेबसाइट वर्क कर रही है या नहीं. तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट आपको वर्क करना स्टार्ट कर देगी. अब इस तरह के एरर्स आ रहे हैं क्योंकि हमने प्लगइन्स को रीनेम किया हुआ है, प्लगइन्स वाले फोल्डर को. तो हम लोग फिर से प्लगइन में जाएंगे, प्लगइन फोल्डर को फिर से रीनेम कर देंगे जो कि पहले से था. राइट क्लिक करेंगे इसके, ये अभी जनरेटेड है इसलिए इसको डिलीट कर दिया. ये हमारा पुराना प्लगइन है जहाँ पे इस थीम से रिलेटेड सारे प्लगइन्स यूज किए गए हैं. इसको डिफॉल्ट नाम से हम लोग फिर से, जो डिफॉल्ट में इसका प्लगइन नाम था, प्लगइन्स नाम से ही हम लोग फिर से सेव कर लेंगे. अब देखते हैं वेबसाइट हमारी प्रॉपरली ओपन हो रही है या नहीं हो रही है. तो आप देख सकते हैं वेबसाइट अब प्रॉपरली यहाँ पे ओपन हो गई है. तो इस तरह से क्रिटिकल वाले एरर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के. सिंपली आपको क्या करना होता है, या तो आपके प्लगइन में एरर होता है या आपके थीम में एरर होता है. अगर प्लगइन और थीम में एरर नहीं है तो आप सिंपली जाएं अपने वर्डप्रेस को रिप्लेस करें पुराने वाले वर्डप्रेस को न्यू वर्डप्रेस के साथ, और उसके बाद आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है.
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ.